हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी नेट फॉग है अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 सब्जेक्ट EBS मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 9। तो आइए बिना ताखिर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नीडेड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन आवर बॉडी। इनमें से कौन से मिनरल्स मादनियात है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी। आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फॉस्फेरस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नीडेड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन आवर बॉडी। कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। सवाल नंबर 2 है, घी एंड बटर आर मेजर सोर्स ऑफ। घी और बटर जो है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स क्या है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा फैट्स। घी एंड बटर आर मेजर सोर्स ऑफ फैट्स। फैट्स में होता है चर्बी। सवाल नंबर 3 है, हार्मोन्स कंट्रोल मे एक्टिविटीज विद इन द प्लांट। यानी हार्मोन्स जो है वो एक्टिविटी कंट्रोल करता है विद इन द प्लांट स्ट्रक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स के जरिए। कौन सा इसमें कंट्रोल किया जाता है हार्मोन्स के जरिए। ग्रोथ है, फ्लावरिंग है, फ्रूट रेपनिंग है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। ग्रोथ भी है, बारीकी भी होती है, फ्लावरिंग भी होता है, फूल भी निकलते हैं, फ्रूट रेपनिंग भी होते हैं यानी फ्रूट पकते भी हैं। तो ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 4 है, ए पर्सन हुज डाइट इज डेफिशियंट इन प्रोटीन्स मे हैव। यानी एक शख्स जिसके डाइट इज डिफिशियंट, मैंने खाने की कमी की वजह से डाइट जो होते हैं इन प्रोटीन की कमी से मे हैव हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, ओबेसिटी, बेंट बोन्स इन पुअर विजन। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वेलिंग ऑफ फेस। सवाल नंबर 5 है, ऑन विच रिवर बैंक इज गोवा लोकेटेड। यानी किस नदी के किनारे गोवा शहर जो है आबाद है। गोवा किस नदी के किनारे आबाद है, गंगा है, मांडोवी है, गोमती है, साबरमती है। तो इसका सही जवाब है मांडोवी। सवाल नंबर 6 है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इज। यानी सबसे तेजी के साथ कौन सा प्लांट जो है बढ़ता है। फर्म्स है, बनियन है, कोकोनट है, बम्बू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बम्बू सबसे तेजी से बढ़ता है। सवाल नंबर 7 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ए कोल्ड ग्लास टम्बलर इज नोन एज। क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, एवोपोरेशन होगा, बॉइलिंग होगा, वेपोराइजेशन होगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। सवाल नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की बुनियाद किसने डाली थी, एडिसन, बेबेज, मैकमिलन, रंगा भाषियाम। तो इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियाद डाली थी, इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स इन सेंट्रल टू सेल रीजेनरेशन एंड वुंड हेलिंग। क्या होगा, यानी विच ग्रुप ऑफ प्लांट, यानी कौन सा ग्रुप प्लांट का कौन सा ग्रुप सेल्स इन सेंट्रल टू सेल रीजेनरेशन एंड वुंड हेलिंग। क्या होगा, तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैरेन्चाइमा। पहला है एस्लेरन चाइमा, कालिन चाइमा, पैरन चाइमा, कॉर्क कैम्बियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैरन चाइमा। सवाल नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर पार्ट ऑफ डर्मल टिश्यू।
डर्मल टिश्यू के कौन सा इसमें सेल्स जो है पार्ट है, गार्ड सेल्स हैं, पेरेंचाइमा सेल्स हैं, कॉलेनचाइमा सेल्स हैं, फोलियम सेल्स हैं। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गार्ड सेल्स। सवाल नंबर 11 है, ह्यूमन बिलोंग्स टू विच ऑफ दी फॉलोइंग फैमिलीज, यानी ह्यूमन जो है इन किससे ताल्लुक रखता है, होमो होमिनाइडाई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, थेकस, एंथ्रोपॉइड। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू, होमिनाइडाई। सवाल नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोलबल विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन जो है फैट सोलबल विटामिन है, विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए डी ई एंड के, विटामिन ए बी सी एंड डी, विटामिन ए सी ई एंड के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, विटामिन ए डी ई एंड के, ये फैट सोलबल विटामिन हैं जो चर्बी में सोलबल में गल जाते हैं, वह है विटामिन ए डी ई एंड के, विटामिन ए डी ई एंड के, ये फैट सोलबल विटामिन हैं। सवाल नंबर 13 है, द फ्लेट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, यानी फ्लेट ग्रीन पोर्शन जो होता है उसको क्या कहलाता है, लेमिना, स्टॉक, वेन या मिडरिब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लेमिना। सवाल नंबर 14 है, द मिनरल नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा मिनरल की जरूरत पड़ती है, आयोडीन की। सवाल नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन प्रोटीन्स, इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स किस में है, ककुम्बर है, ग्राम है, वेट है, मेज है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम्स, ग्राम माने होता है चना, इसमें सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन्स होते हैं। सवाल नंबर 16 है, विच ग्लास टाइप इज रेसिस्टेंट टू हीट, कौन सा है, बायोलिसिकेट ग्लास, हार्ड ग्लास, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, प्लेक्सी ग्लास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, बायोसिलिकेट ग्लास। सवाल नंबर 17 है, विच सिटी वाज वंस नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वंस एक दफ़ा कहलाया था, कौन सा सिटी जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाया था, ऐसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वंस नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मद्रास है, सूरत है, मुंबई है, दिल्ली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सूरत, सूरत एक बार कहलाया था, वंस मैंने एक दफ़ा कहलाया था मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, उसको कहा जाता था सूरत को। सवाल नंबर 18 है, ए होम फॉर फिश इज नोन एज, यानी जो मछली का घर होता है उसको क्या कहते हैं, ए विवेरियम, ए फॉर्मिस्केरियम, एन एक्वेरियम, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, एन एक्वेरियम कहा जाता है। सवाल नंबर 19 है, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविजन गोज टू, यानी टेलीविज़न की ईजाद किसने की थी, फ्राडे है, बेयर्ड है, एडिसन है, मार्कोनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जे एल बेयर्ड ने कहा, जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न की ईजाद की थी। सवाल नंबर 20 है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ओ, एक ऐसा शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, मैरिज ए ओ मैन, एक ऐसे औरत से शादी करता है विथ ब्लड ग्रुप ए, जिसकी ब्लड ग्रुप ए है, द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, यानी उसकी शादी एक आदमी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और एक औरत जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो चांस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड हैविंग, यानी पहला बच्चा जो होगा उसका ग्रुप ओ होगा, उसका कितना परसेंट होने का चांस है, 75%, 50%, यानी 75%, 50%, 100%, 25%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50%।
सवाल नंबर 21 है, वेट लिफ्टर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स एंड बॉडी मास, फॉर दिस पर्पज दे नीड टू टेक ए डाइट विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिन्स प्रोटीन्स। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोटीन्स। वेट लिफ्टर्स जो होते हैं उनको जनरली रिक्वायर्ड टू मेक मोर मसल्स और बॉडी बनाने के लिए क्या फॉर दिस पर्पज के लिए क्या जरूरत पड़ती है उनको, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में, विटामिन्स में, प्रोटीन्स में, तो प्रोटीन्स हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है, इन द विलेजेस ऑफ बिहार, बिहार के लोग, मैनी फार्मर्स, बिहार के बहुत सारे किसान जो है डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, यानी मधुमक्खी के को पोसते हैं एंड कलेक्ट हनी टू अर्न मनी, यानी उसको पैसे कमाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो हनी को कलेक्ट करते हैं। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इज, तो कौन सा जो है ये महीना बेस्ट है उन लोगों के लिए, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री अक्टूबर टू दिसंबर। सवाल नंबर 23 है, नेपेंटेस इज ए प्लांट विच ट्रैप्स एंड इट्स फ्रॉग्स इंसेक्ट एंड इवन माइस इन आवर कंट्री, दिस प्लांट इज फाउंड इन, यानी किस शहर में ये नेफेंटेस इज ए प्लांट है, विच ट्रैप्स एंड इट्स फ्रॉग इंसेक्ट एंड इवन माइस, कीड़ों को भी कहा था, इन आवर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन, किस मुल्क में पाया जाता है, मेघालय है, किस स्टेट में पाया जाता है, किस मेघालय है, असम है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, मेघालय में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 24 है, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ ए फ्लावर वी फाइंड ए थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या कहलाता है, इनसाइड द पेटल्स के मतलब पेटल्स जो है उसके बीच का हिस्सा ऑफ ए फ्लावर का, वी फाइंड ए थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिग्मा एंथर पोलन रेडिकल, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पोलन कहलाता है। पोलन। सवाल नंबर 25 है, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स, अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स, यानी जो चीज़ों को देखते हैं वो जानवर जो रात में अवेक जागते हैं, दैट आर अवेक एट नाइट जो रातों में जागते हैं, कैन सी ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को देखते हैं, किस कलर में, इन रेड कलर ओनली लाल रंगों में, इन ऑल कलर्स ओनली, इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, इन ग्रीन कलर ओनली, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। दोस्तों मेरे वीडियो आपको कैसे लगे, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त।